गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्ण को देखेंगे। तो कल हमने देखा कि वर्णमाला संस्कृत में कुल 46 हैं और वर्ण 3 हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। तो संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या भी 13 है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा के विभिन्न भागों से टकराकर निकलती हैं, हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर निकलती हैं और जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। भाषा संस्कृत भाषा आरक्षित लिपि है। संस्कृत की लिपि देवनागरी भी है और ये एक आरक्षित लिपि भी है। सामान्य रूप से व्यंजनों का उच्चारण करते समय उनके साथ अस्वर मिला होता है, जैसे क, तो क हम बोलते हैं तो उसमें अ संयुक्त होता है। जब व्यंजन ध्वनियाँ स्वर रहित होती है तब लिखते समय उनके दाहिनी ओर नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हम हलंत कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण कुल 25 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन वर्ण ये कुल 4 हैं, य हलंत, र हलंत, ल हलंत और व हलंत। उसी प्रकार उष्म व्यंजन वर्ण है उस ये भी 4 हैं, श, शा, स, ह। कुल मिलाकर ये 25 जोड़ 4 जोड़ 4 मिलाकर ये 33 होते हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्वर वर्णों की संख्या 13 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और वर्णमाला संस्कृत में कुल 44 हैं। यहाँ क्रम दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले है संयुक्ताक्षर में छ, तो ये छ जो है वो वर्णों और व्यंजनों के मेल से बना है। तो यहाँ पर देखिएगा छ का क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ आ मिलकर ये छ बना है। उसी प्रकार यहाँ पर ये नीचे दिए गए हैं। और शब्द के प्रयोग इस तरह से इसके प्रयोग किए जाते हैं, इनको याद कीजिएगा। अब है संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण। संस्कृत भाषा में जब दो व्यंजन परस्पर मिलकर नया वर्ण बनाते हैं तब उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा है था कि छ, त्र, ग्य, श्र, घ ये सभी क्या हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण। नोट करने योग्य बातें हैं, यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि प्र, द्र, मर्म, नंद ये सब नद ये सभी संयुक्त वर्ण हैं लेकिन इन्हें संयुक्ताक्षर नहीं माना जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आप ध्यान से देखिएगा और उसे समझकर लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये संस्कृत भी एक मेथड ही है।
अगर आप कुछ पॉइंट अगर इसका जानते हैं, इसकी व्याकरण को समझते हैं, तो ये आप अच्छी तरह से कर लेंगे। यहाँ प्र, द्व, मर्म, नद्र, नर्द में भी संयुक्त वर्ण तो है, लेकिन इनमें छ, त्र, स्र, श्र और घ को की भांति संयुक्ताक्षर नहीं माना जाता है। धन्यवाद।